और झटके से अंदर गिर जाता है और अंदर एक लाश दिखती है जो उसे पकड़ लेती है। वो डर जाता है और कपड़ा हटाता है जिसमें एक लड़का था और वो अपनी पेट की तरफ इशारा कर रहा था। लड़का उसके पेट पर से कपड़ा हटाते ही चौंक जाता है क्योंकि उस लड़के के बॉडी पार्ट्स गायब रहते हैं और उसको वापस सिल दिया गया रहता है। लड़का ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, तभी उसके जूते के लेसेस खुल जाते हैं और वो उसे बांधने लगता है। तभी जूते पर पानी गिरता है और वो ऊपर देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर इतनी लाशें होती हैं कोई गिन नहीं सकता था, और उनमें वो भी लाशें होती हैं जो उसकी बहन ने बताया था, और सारी लाशें सी हुई रहती हैं और ऊपर चिपकी हुई होती हैं। उसकी बहन बाहर खड़ी रहती है मदद मांगने के लिए। तभी दूर से एक ट्रक आता दिखता है। वो समझती है वो वही पुराना वाला ट्रक वाला है जो इन्हें मारना चाहता था, और वो डर कर गाड़ी स्टार्ट करने लगती है और ट्रक आगे से चला जाता है, पर ये ट्रक दूसरा था। तभी उसका भाई अचानक से सामने आ जाता है और वो डर जाती है, और दोनों वहां से गाड़ी स्टार्ट करके आगे की तरफ निकलते हैं। उसकी बहन उससे पूछती है तुमने बेसमेंट में क्या देखा। लड़का कहता है तुम्हारी फ्रेंड्स की कहानी है और वो मारी गई थी और वो लोग उसी बेसमेंट में हैं।